नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 कर चले हम फिदा के क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न 1 है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? उत्तर है, यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से युद्ध किया और भारतीय वीरों ने इसका बहादुरी से सामना किया। प्रश्न 2, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान की रक्षा की थी। प्रश्न 3, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर है, जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है, इसीलिए धरती को दुल्हन कहा गया है। प्रश्न 4, गीत में ऐसे कैसे खास बात होती है कि वो जीवन भर याद रह जाते हैं? उत्तर है, गीत में भावनात्मक संगीतात्मकता, लयबद्धता, सच्चाई आदि गुण होते हैं, जिसके कारण वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में देशभक्ति और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे ये गीत हर हिंदुस्तानी के दिमाग में छप गया है। प्रश्न 4, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है, कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक, साथियों और देशवासियों के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न 6, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर है, इस कविता में काफिले शब्द सैनिकों के समूह के लिए प्रयोग किया गया है। सैनिक कहते हैं कि यदि वे शहीद हो जाएं, तो सैनिकों के अनेक समूह तैयार होने चाहिए ताकि दुश्मन देश में ना घुस सके। प्रश्न 7, इस गीत में सफर सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? उत्तर है, सर पर कफन बांधना का अर्थ है मौत के लिए तैयार होना। सैनिक अपने अंतिम पलों में देशवासियों को सर पर कफन बांधने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं और जब देश की रक्षा के भार देशवासियों पर आ चुका है। प्रश्न 8, इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान ही हाथों से क्यों न गंवानी पड़े। सैनिक चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा के लिए सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन कभी भी उसके द्वारा खींची गई खून की लक्ष्मण रेखा पार न कर पाए, इस उम्मीद से वो हर देश की रक्षा का भार देशवासियों को छोड़ कर जा रहा है। सैनिक कहता है कि देश पर जान न्यौछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। भाग ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, सांस थमती गई, नज्म जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय जवानों के साहस का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी, ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरा, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकी, इस तरफ आने पाए कोई रावण। उत्तर है, इन पंक्तियों में सैनिक भारत की धरती को सीता की तरह मानता है और अपने साथियों से कहता है कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो, ताकि कोई दुश्मन रूपी रावण भारत के आंचल को छू भी ना सके। तीसरा, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। उत्तर है, इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों से कहता है कि वो तो अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए शहीद हो रहा है, परंतु उसके बाद अर्थात भारत की भूमि सीता की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण दोनों हम ही हैं। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियोस। धन्यवाद।